ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस तरह की न्यू ईयर फोटो एडिटिंग। तो गाइस न्यू ईयर के ऊपर हमने और भी दो वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख लो चैनल पर क्लिक करके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाके कर लो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गए जाना है आपको ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल के अंदर मैं जो है फोटो ऐड करूंगा क्योंकि वहां पर शेडोज जो है क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आना है आपको यहां पर ऐड फोटोज में, उसके बाद फोटोज़ पे क्लिक करके अपना मॉडल पीएनजी जो है आपको ऐड कर लेना है। उसका बैकग्राउंड जो है पहले से इरेज कर रखा हूँ मैं, आप भी इरेज कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसे डन कर दूँगा। डन करने के बाद मैं इसे अच्छे से जो है सेट कर लेंगे इस जगह से नीचे। इतना करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ से एक और एम्प्टी लेयर जो है ले आना है। ले आने के बाद इसे जो है दबा के आपको नीचे ले आना है, ठीक है, इसके नीचे इस प्रकार से। उसके बाद आपको जो है यहाँ से ब्रश पे क्लिक करके इसका साइज वगैरह आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले ब्रश पे क्लिक करके साइज वगैरह इतना आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद जूम करके आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शेडो क्रिएट करना है। इतना हो जाने के बाद आपको जो है इस जगह पे आपको क्लिक करना है। ये बताता हूँ, ये देखिए इस जगह पे आपको क्लिक कर देने के बाद इसकी कैपेसिटी को आपको जो है कम कर देना है। देख लीजिए ये गाइस 50 करीब रख लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, एक और एम्प्टी लेयर जो है आपको कर लेना है। यहाँ पर जो है हेयर पीएनजी में लगाता हूँ, वहीं से लगा लेता हूँ। हेयर फोटो में जाके हेयर पीएनजी जो है यहाँ पर लगा लेता हूँ। अगर ये हेयर पीएनजी आपको चाहिए तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ से करूँगा डन और अच्छे से कर लूँगा सेट। ठीक है, इतना होने के बाद मैं यहाँ से कर लूँगा डन। डन करने के बाद गाइस मैं जाऊँगा अगेन ड्रॉ टूल के अंदर। अगेन ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद इस इमेज को मैं कर लूँगा सेव थ्री डॉट्स पे क्लिक करके। उसके बाद चलेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, इसमें जो है थोड़ा कलर क्रिएशन करेंगे। उसके बाद थ्री डॉट्स क्लिक करके डिवाइस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है अपना फोटो को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। ऑल फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद अपना फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ लाइट वाले आइकन पे पहले क्लिक करना है। ये जो सूरज वाला एक आइकन है इस पर क्लिक करने के बाद एक्सपोजर को आप रहने दीजिएगा, इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लीजिए। उस जो है गाइस आपको हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देना है, शेडोज को हल्का बढ़ा देना है, और उसके बाद व्हाइटेस को बढ़ाने के बाद ब्लैक्स को आप थोड़ा कम कर दीजिए। जो है हमारा कपड़ों का कलर जो है ब्लैक भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टूल्स पे आएंगे, उसके बाद इसका वाइब्रेशन हल्का बढ़ा देंगे। उसके बाद जो है आपको ऊपर मिक्स टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको जो है आपको सैचुएशन को जो है आपको कम कर देना है फर्स्ट कलर का। उसके बाद सेकंड कलर में आके सैचुएशन हल्का कम करके लेमिनेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद जाना है आपको क्लैरिटी में, इस वाले ऑप्शन पे क्लैरिटी इसका बढ़ाना है। और उसके बाद क्लैरिटी बढ़ाने के बाद बिगनेट को हल्का कम कर दीजिए। उसके बाद जाना है आपको इस वाला आइकन के ऊपर। इस वाला आइकन पे आने के बाद आपको इसका सर्फिंग थोड़ा बढ़ाना है। सर्फिंग बढ़ाने के बाद जाना है आपको नॉइज डिटेक्शन थोड़ा बढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो है देख सकते हो गाइस हमारा फोटो कितना कूल लग रहा है। एक सेकेंड गाइस, ये देखिए पूरा कूल लग रहा है ना। इस प्रकार से करके गाइस आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो। अब इसको सेव करते हैं, शेयर वाले बटन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारा फोटो जो है सेव हो जाएगा। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो और मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो